लगातार आप देख सकते हैं कि कड़ी मशक्कत के बाद व्यवस्था में जुटे हुए हैं यहाँ के आयोजक बंधु। हम अभी बात भी कराएंगे आपसे कैसे यहाँ की व्यवस्था है। देख सकते हैं कि आयोजक लगातार गोलू देशमुख जी हैं। गोलू भैया, क्या क्या तकलीफें आ रही हैं? तकलीफें कुछ नहीं है, बढ़िया भक्तिमय है। ले बोलो यार, बोलो अपना भाव। तो भैया भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है अंदर में कि बैठने का व्यवस्था नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज्यादा भीड़ है अंदर। वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, इतना ज्यादा हो गया है। अपने श्रद्धालु अपने भक्तजन इतने आ गए हैं बाबा जी के कि खड़े खड़े। हमने अभी देखा कि बच्चों को उठा उठा कर कुछ आयोजक बंधु हमारे पार करा रहे हैं। बच्चों को तो बच्चे क्या करेंगे भैया, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे भूखे हैं, तो कैसे कर लेंगे? आप खुद बताइए। आज ही इतनी भीड़ है कि कल भी थी? कल भी थी और आज भी भीड़ है। कल से आज फिलहाल ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। आप लोगों ने भी अर्जी लगाई कि नहीं लगाई? बिल्कुल 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 अर्जी लगी हुई थी। ऐसी भी व्यवस्था है यहाँ? बहुत अच्छी व्यवस्था है। थोड़ा सा जो भक्तजन है वो बड़े ही प्रसन्न है, बहुत ही उत्साह है। उत्साह का ये भीड़ है और ये सनातन धर्म प्रेमियों का भीड़ है। मित्रों, आप सभी जो देख रहे हैं, ये हिंदू धर्म को मानने वाले, हनुमान जी को मानने वाले, बालाजी को मानने वाले और सभी भगवानों को मानने वाले लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जो चमत्कार गुरु जी का यहाँ पे सन्यासी बाबा का चमत्कार जो गुरु जी का हो रहा है, देश दुनिया देख रही है, मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है। मीडिया के कर्मियों को भी बुला के वो क्वेश्चन पूछते हैं और उसका पर्चा पहले से बना होता है। बहुत ही विशाल माहौल, बहुत ही आनंदमय माहौल। कई लोगों ने सनातन पर सवाल उठाए थे, बाबा जी के ऊपर भी सवाल उठाए थे। पुरातत्व समय से सनातन धर्म के ऊपर और धर्म प्रेमियों के ऊपर आज बहुत समय से उनके ऊपर उंगलियां उठ रही है। और आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें जाति और पंथ नहीं देखा गया है। और हमारा धर्म करोड़ों साल पुराना है, आज भी जड़ी बूटियों वाला है। बाप हमारे धर्म, हमारे यहाँ आज भी संत, ऐसे ऐसे संत हैं जो कि दो दो तीन तीन सौ साल जिंदा हैं और उनके आशीर्वाद से कोई भी बांधा, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, कोई भी रोग दूर हो जाता है। साक्षात प्रमाण बालाजी बागेश्वर भगवान जी हैं जिनके द्वारा कोई भी अर्जी लगती है उनकी तकलीफें दूर हो रही हैं यहाँ पर। आज कौन कौन सी अर्जियों के माध्यम से बाबा ने अपने विरोधियों को जवाब दिया? देखते हैं कि कई एक मुस्लिम महिला थी, उन्होंने भी हिंदू धर्म स्वीकार्य किया और क्रिश्चियन लोग भी यहाँ पर आए थे। एक चमत्कार आज हुआ, बहुत सारे धर्म के जो लोग, हमारे हिंदू धर्म के लोग जो उनके पूर्वज हिंदू थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था और क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था, उन्होंने आज बहुत बड़ी संख्या में आज हिंदू धर्म अपनाया। भगवान गुरु बागेश्वर धाम में गुरु जी के सामने हिंदू धर्म अपनाकर हिंदू देवी देवताओं के प्रति इष्ट भावना से उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया और भगवान को अपना माना है। हमारे तरफ व्यवस्थाएं फूल हैं और कल इससे ज्यादा भीड़ होगी, ये तो निश्चित है। और व्यवस्था भी फूल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी ना बाधा जाएगी। देख सकते हैं कि बालाजी भगवान की कृपा है। देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम जो दिक्कतें आ रही है आयोजक मंडलों के द्वारा उसे दूर किया जा रहा है। लोगों को कथा सुनने के लिए, कथा स्थल पर पहुंचाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है, लाइनों की व्यवस्था। कुछ दिक्कतें आ रही हैं, भक्त श्रद्धालु आप देख सकते हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि भक्त यहाँ पर समा नहीं रहे हैं, इस कारण से भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन व्यवस्थापक लगे हुए हैं अपने माध्यम से बाबा जी के कथा सुनने के लिए लोगों को गंतव्य स्थान तक पहुँचा रहे हैं।